गाइस, आखिर आ चुका है वो वक्त जब मैं करने जा रहा हूँ अपना पहला Q&A विथ अपना फेस कैम। यस गाइस, इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने अपना फेस कैम पे ऊपर एक काला कुछ बैकग्राउंड लगा के उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। तो बहुत सारे लोग, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त समझ रहे थे कि मेरा कैमरा ख़राब हो गया था, क्योंकि वो लोग पूरा वीडियो नहीं देखते। जो लोग पूरा वीडियो देखे हों वो लोग समझ ही गए होंगे। एंड मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आज मतलब मेरा कुछ पड़ोस में 3 4 दिन से एक घर में काम हो रहा है, बहुत 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 ज़्यादा शोर हो रहा है। तो आज बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ, बैकग्राउंड नॉइस आने का चांसेस है। और मेरा माइक भी पता नहीं यार, आज ही मतलब इस माइक को हगना है, मतलब माइक हग दिया है आज मेरा, क्या ही बोलूँ। बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन मेरा नहीं ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। अगर ज़्यादा कुछ साउंड आया तो मैं वो उसको ठीक कर दूंगा, इसलिए पहले से ही मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। सो गाइस, इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने रखा था Q&A अनाउंसमेंट, उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। कितने कमेंट्स आए मैंने गिने, मतलब मैंने देखे नहीं थे, मैं भूल गया था। उनमें से मैं हर एक कमेंट को पिक किया हूँ, हर एक कमेंट का जवाब मैं आज देने वाला हूँ। एंड बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं आप लोगों ने। ओ हाँ, फेस कैम चला दूँ क्या? चला दूँ फेस कैम? चला ही देखते हैं, चलो। सो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका प्यारा लूसीफर। पहली बार मैंने अपना फेस कैम इस चैनल पे अपलोड किया है। एंड ये बैकग्राउंड, अच्छा उस तरफ नहीं, इस तरफ, ये बैकग्राउंड में जो है ना, इसकी तरफ ध्यान मत देना। ये मेरी दीदी का रूम है, दीदी का PC है, सब कुछ दीदी का है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा मोबाइल भी मेरा नहीं है। और ये जो, मतलब जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कैमरा भी मतलब मेरा नहीं है, मतलब कैमरा ही नहीं है, वो एक फ़ोन है। अरे कहना क्या चाहते हो? उस फ़ोन का कैमरा मैंने OBS से कनेक्ट करके उसके साथ कर दिया है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। मतलब समझ जाओ, छोटा मोटा जुगाड़। एंड तो ऋतिक रोशन जैसा दिखता तो हूँ नहीं, चल झूठा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो है ऑक्सफ़ोर्ड FF की तरफ से, लिखा हुआ है, अच्छा भाई तुम फ्री फायर कब से खेलते हो? देखो मैं फ्री फायर खेलता हूँ 2017 के आखिर से, मतलब करीब करीब फ्री फायर जब लॉन्च हुआ है उसके कुछ महीने बाद से ही मुझे फ्री फायर खेलना, मतलब मैंने फ्री फायर के बारे में जाना था मेरे दोस्त से, गुड्डू सबसे पहले फ्री फायर खेलना स्टार्ट किया। तब सब पबजी खेलते थे, तो मेरा तो PC भी तब इतना अच्छा नहीं था, मतलब अभी भी अच्छा नहीं है, तो PC से पबजी नहीं खेला जा सकता था। मैं दोस्तों के घर जाता था, वो लोग खेलते थे, मैं कब काउंटर स्ट्राइक खेलता था, फिर जॉम्बी फ्रॉन्टियर्स, ये सब गेम्स खेलता था। तब काउंटर स्ट्राइक मतलब बहुत मेरा फेवरेट था, तो तब से मैं फ्री फायर खेलता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई तुम। हाँ सेकंड क्वेश्चन है रौनक शाह शाह की तरफ से, बिग शाउट टू यू ब्रो, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। भाई तुम यूट्यूब करते हो, इसको लेकर घर में क्या ओपिनियन है, मतलब सपोर्ट मिलता है या नहीं, और व्लॉग करोगे कभी? नहीं मतलब देखो गाइस, मतलब मैं जिस घर से बिलोंग करता हूँ, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वो उस फैमिली की मतलब इकोनॉमिक स्टेटस उतना भी अच्छा नहीं है। तो जो होता है ना, मतलब पढ़ाई करो, पढ़ाई करके बड़े बनोगे, पढ़ाई करे बड़े आदमी बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, अच्छी नौकरी करो, ये सब होता है। वैसे कभी भी मेरे घर से मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं किया गया है कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है। मुझे बोला गया है तुम जो भी बनना चाहो वो तुम बनो, बट यूट्यूब मतलब बचपन में होता है ना, मतलब अभी यार पढ़ाई का वक्त है, अभी अगर मैं अभी से अगर यूट्यूब पे इतना ज़्यादा टाइम दूँ तब तो यार डांट पड़ेगी घर से। तो थोड़ा तो कम सपोर्ट मिलता है मेरे घर में यूट्यूब को लेके, एकमात्र मेरी दीदी ही मुझे सपोर्ट करती है, बाकी मम्मी पापा की तरफ से घंटा सपोर्ट मिलता है। और व्लॉग, हाँ व्लॉग कभी भी तो करूँगा। अभी देखो फर्स्ट से लेके 10th जून तक मेरा MPSC एग्ज़ाम्स है,
बहुत बड़ा मतलब लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स होंगे, फिर मैं वीडियो के पीछे बहुत सारा टाइम दे सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद 3-4 महीने पूरा मतलब खाली बैठूंगा मैं, तब वीडियो के पीछे टाइम दूंगा, व्लॉग्स करूंगा, दोस्तों के साथ सब कुछ करूंगा यार, गेम भी करूंगा, व्लॉग्स करूंगा, चाहूँ तो अगर लाइव स्ट्रीम भी कर सकता हूँ, ज़रूर ज़रूर आना। ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे प्यारे आयुष भैया की तरफ से, एंड जिनका चैनल का लिंक मतलब लिंक कह दूंगा यार, मतलब जिनके चैनल के बारे में मैंने कुछ दिन पहले ही यूट्यूब पे अपने वीडियो अपलोड किया है, तो बढ़िया। बट तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे प्यारे आयुष भैया की तरफ से, मतलब एस्ट्रेटिक गेमर्स, योर बेस्ट फ्रेंड फिर क्वेश्चन मार्क, वो भी 5-5। ओके तो मेरा बेस्ट फ्रेंड अगर सच्ची में बताओ तो अभी मेरा अभी के टाइम पे मेरा कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं, मतलब एक बंदे को बनाया था बेस्ट फ्रेंड, उसने इतना बड़ा धोखा दिया, क्या ही बोलूँ। आप में से अगर मेरे दोस्त लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे गिल्ड के बहुत क्लोज बंदे भी समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे प्यारे अनिर्बान की तरफ से, मतलब एआर गेमिंग, आपका लोकेशन बताओ। ब्रो मेरा लोकेशन मतलब वैसे सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है, मतलब कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ धरती में। आर यू कॉमेडी धरती में तो सब लोग रहते हैं, मैं तो इंडिया में ही रहता हूँ, वेस्ट बंगाल पे रहता हूँ। वेस्ट बंगाल पे अगर मैं अपना शहर का नाम बताऊंगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, मैं रहता हूँ चंदन नगर पे, कैलकाटा से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे। बहुत अच्छा शहर है, छोटा शहर है, मतलब छोटा नहीं बड़ा ही है, बट बहुत सारे दोस्त हैं यहीं पे रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, मतलब एक क्वेश्चन नहीं है, एक डियर टाइप्स का है, मतलब बंगाली मैजिशियन की तरफ से बिग शाउट आउट टू यू ब्रो। सोचो कि तुम रात को कि तुम रात को सो गए एंड नेक्स्ट मॉर्निंग यू सी दैट यू गेट 10K सब्सक्राइबर्स इन वन नाइट, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? भाई साहब मतलब इसका आंसर क्या मुझे देना पड़ेगा? नहीं इसका आंसर तो मेरे रिएक्शन से आप लोगों को पता चल गया होगा। भाई साहब एक दिन में 10K सब्सक्राइबर्स गेन करने के बाद ना क्या ही तो बोलूँ, मतलब अभी जो है मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी पढ़ाई, सेकंड प्रायोरिटी यूट्यूब एंड सारे गेम्स वेम्स जो भी होता है वो है। तब अगर ऐसा होगा एक नाइट में 10K सब्सक्राइबर्स अगर मैंने गेन कर लेता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी यूट्यूब हो जाएगा, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यूट्यूब हो जाएगा, देन बाकी प्रायोरिटीज सब बाकी चीज़ें हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देवदत्त रे की तरफ से, एंड बिग शाउट आउट टू यू ब्रो। FF के कितने अकाउंट है आपके पास फ्री फायर के? देखो मेरे पास तो अगर बोले तो मेरे पास 5 अकाउंट्स हैं, 5 में से 2 मेरे अकाउंट से, एक मेन है, एक सेकंड आईडी है, एंड 3 मेरे दोस्तों के आईडीज हैं, मैं उनके आईडी से खेलता नहीं हूँ। अरे भाई मैं अपनी आईडी से ही खेलता बहुत कम हूँ, उन लोगों के आईडी से बाहर में जाए छोड़ दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है पोकेमॉन AMV की तरफ से, बिग शाउट आउट टू यू ब्रो, कोई गिव अवे करो। क्या ही बोलू भाई साहब, 170 सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए मुझे इतने दिनों से वेट करना पड़ा, इतने दिन बाद जाके मेरा 170 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, अभी से गिव अवे। वैसे 2 गिव अवेज ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे चैनल पे। देखो मैं गिव अवे करके अपना चैनल ग्रो करना नहीं चाहता हूँ, मैं खुद की मेहनत से, खुद के टैलेंट से सब्सक्राइबर्स गेन करना चाहता हूँ। गिव अवे करके सब्सक्राइबर्स गेन करना वन टाइप ऑफ सब्सक्राइबर्स खरीदना होता है, जिसका मैं एकदम उल्टा हूँ। सो गिव अवेज करने के लिए 500-600 सब्सक्राइबर्स होंगे तब
तब मैं जरूर सोचूंगा गिव अवे करने का, पहले होने तो दो। ओके ओके, क्वेश्चन है हाउ मच डू यू टॉप अप डेली इन योर अकाउंट। ब्रो देखो, मैं खेलता ही हफ्ते में 2 दिन हूँ और टॉप अप डेली करूंगा, लगता है क्या इतना पैसा मेरे पास नहीं है? अगर इतना पैसा होता ना डेली टॉप अप करने के लिए, अगर डेली मैं 40 का भी टॉप अप करता ना, तो मैं पैसे जमा जमा के ना एक रैम खरीद लेता और पीसी पे लगा लेता, जिससे कि मेरा पीसी से स्ट्रीम गेम ये सब कर सकता था। मैं पीसी पे गेम तो खेल सकता हूँ, बट गेम प्ले रिकॉर्ड करने पर गेम प्ले लैग होने लगता है, इसलिए मैं गेम प्ले पीसी का गेम प्ले नहीं लाता हूँ। वैसे नेक्स्ट नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, नया सीरीज आने वाला है, बी रेडी फॉर दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डीटी जी आयुषी की तरफ से, बिग शाउट आउट टू यू सिस, माय सिस। पीसी स्पेक्स, पीसी स्पेक्स दिखाने के लिए ओके, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। नहीं, मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा, तुम लोग हंसोगे, तुम लोगों का स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा। मेरे पीसी में 4 GB रैम है, देख के बताता हूँ, रुको। प्रॉपर्टीज, ओके, मेरे पीसी पे 4 GB रैम है, 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटेल कोर TMI3-3220 प्रोसेसर, 3.30 GHz का प्रोसेसर है, एंड इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ही मतलब पुराना पीसी है ऑफिशियल यूज़ के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज का तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन आया है देवांजन की तरफ से, और ये बंगाली में है, मैं पहले बंगाली में अनाउंस। देवांजन, बिग शाउट आउट टू यू ब्रो, तुम्ही टिप्स एंड ट्रिक्स कैनो छाड़ो ना, इसका मतलब है तो आप टिप्स एंड ट्रिक्स क्यों नहीं देते हो? देखो मतलब गेम प्ले, टिप्स एंड ट्रिक्स करने के लिए गेम प्ले है, मतलब गेम प्ले दिखाना पड़ता है। वैसे मैं गेम प्ले दिखा दूंगा, बट मैं गेम खेलूंगा कहाँ पे, ये भी तो सोचने की बात है ना। मेरे पास डिवाइस नहीं है, डिवाइस होगा तो गेम प्ले जरूर करूंगा, एंड गेम प्ले करूंगा तो जरूर से जरूर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। एंड आई होप आज के लिए इतना काफी है, एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, जरूर से जरूर रहना, एंड सरप्राइज जरूर से जरूर देखना आप लोग। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।